द्रव्यम नमः, ये सिस्टम होता है। आचार्य पूज्यपाद ऐसे महान आचार्य जब सब कुछ लिख देते हैं, प्रतिक्रमण लिख देते हैं, मनराज के लिए जो आवश्यक है वो लिख देते हैं, और जब समाप्ति जब इसकी होती है, सारे कर्मों की आलोचना करते हैं, सारे की निंदा ग्रह करते हैं, जो जो पाप अपराध जाने अनजाने में हुए हैं, उन सारे पापों के लिए, सारे अपराधों के लिए जब आचार्य भगवान जब सब कुछ से निपटा देते हैं, सारे कर्मों की क्या बोलते हैं कि अच्छी घिस घिस के धुलाई कर देते हैं, एक एक दाग धब्बा ढूंढ ढूंढ के निकाल देते हैं आत्मा पर लगा हुआ, और जब खत्म करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। ये जिनागम का सार है, इसको बोलते हैं समाधि भक्ति। क्या बोलते हैं इसको? समाधि भक्ति। अगर समाधि नहीं होती है तो फिर पूरी साधना बेकार चली जाती है। तो समाधि भक्ति की शुरुआत करते हैं प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, जिनवाणी माता को नमस्कार करते हैं। वो कैसा होता है? स्पेसिफिकेशन लाइफ में होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन। ये क्या होता है? कल मैंने आपको शाम के समय बताया था, परसों शाम को, कल ही शाम को बताया था मैंने आपको कि जब आप प्रतिक्रमण जब पढ़ते हैं छोटा वाला, उसमें लिखते हैं एक इंद्र जीव से, दो इंद्र जीव से, तीन इंद्र जीव से, चार इंद्र जीव से, पंच इंद्र जीव से, जो जो कुछ विराधना हुई या असाता हुई हो वो मेरे पाप मिथ्या हो गई, ऐसा बोल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा बोलने से कुछ भी नहीं होता है, आपको जीव का नाम लेना पड़ेगा। एक इंद्र जीव मतलब कौन सा है? कौन सा जीव? पांच एक इंद्र जीव होते हैं, तो पांच में से कौन सा वाला एक इंद्र जीव? उसमें बोले जल कायिक जीव। अब जल कायिक जीव की विराधना कैसे होती है बताओ? जल कायिक जीव की विराधना कैसे होती है? आपने अनछना पानी ढोला नाश किया, उसके लिए वो पाप मेरा मिथ्या हो गया। जब रोज रोज आप बोलेंगे कि मैंने नहाने में, मैंने पीने में, गृहस्थ लोग जब रोज रोज बोलेंगे कि मैं नहाने में, कपड़े धोने में, पीने में, बर्तन मांजने में, झाड़ू पोछे मांजने में, कार को धोने में, छत को धोने में, जो जो मैंने अनछने पानी का उपयोग किया है वो मेरा पाप मिथ्या हुए। तो रोज रोज जब आप ऐसा बोलेंगे, एक दिन तो ऐसा लगेगा कि महीने में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि पानी को छान करके फिर झाड़ू पोछा मारेंगे, पानी को छान करके फिर भोजन बनाएंगे। तो बात ये नहीं कि पानी को छाना कि नहीं छाना, बात ये नहीं है कि वो जीव मरे कि नहीं मरे, बात अवेयरनेस की है, बात जागरूकता की है, बात चिंतन की है कि मैं कितना जाग चुका हूँ, मैं सांस लेने से हिंसा हो रही है, वायु का एक जीव आ रहे जा रहे उसमें भी हिंसा हो रही है, क्या वायु का एक जीव सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसमें भी हिंसा हो रही है, मैं हिंसा से बच नहीं सकता हूँ, हिंसा से बचना मेरे लिए असंभव है, लेकिन हिंसा जितनी कम हो जाए, जितनी कम हो जाए। और हिंसा कम क्यों करना है मुझे बताइए? हिंसा कम करना है मुझे, मुझे अपने भीतर करुणा भाव को पैदा करना है, करुणा भाव को जगाना है। जब करुणा भाव मेरा जाग जाएगा तो बस वही मुझे मुख की तरफ आगे बढ़ाएगा। तो जिनवाणी माता के चरण में प्रणाम हो इतना पर्याप्त नहीं है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, तो चार अनुयोग जिनवाणी माता के, उन चारों को मुझे नमो से प्रणाम करना, उन चारों को चरणों मुझे प्रणाम करना है। और क्या प्रथमम शुरुआत कहाँ से होती है? देखो स्टेप से सीढ़ियाँ हैं जीवनगी जिंदगी में आगे बढ़ने के, ऊंचा चढ़ने के। पद्मानु का मतलब क्या होता है? जो लोग इन राहों पर चले हैं, जिनको जीवन में फूल खिले हैं, जिन्होंने इस खुशबू को महसूस किया है, जिन्होंने इस दैवीय सौंदर्य को, जिंदगी की खूबसूरती को निहारा है अपने मन की आंखों से, उनका चरित्र सबसे पहले पढ़ूंगा मैं। और अपने महापुरुषों के जीवन में क्या हुआ अगर वो आपको नहीं मालूम है, और आपने सीधा समय सार को उठा लिया, तो समय सार का एक भी शब्द आपको समझ में नहीं आने वाला है। समाधि कैसे होती है? समाधि ऐसे होती है कि जो जो तपस्या और त्याग की राह पे आगे बढ़े हैं, ऊंचा उठे हैं, उन लोगों ने क्या संघर्ष जीवन में झेले हैं, उन संघर्षों के बावजूद भी वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटे हैं। जैसे उनके बारे में आपको मालूम पड़ता है, अपनी खुद की लाइफ में देखिए ना कि दादी अम्मा ऐसी होती है कि वो नहीं चल पाती है, उनसे कुछ काम धाम नहीं बन पाता, उसके बावजूद भी महाराज जी आते हैं तो आहार देने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, भक्तामर जी का पाठ होता है तो भक्तामर विधान में बैठने के लिए वो बोलते बेटा पोता मुझे एक बार तो मुझे ले चल, एक बार तो एक ग्रास तो मेरे यहाँ से दिला दे, एक बार तो मुझे दर्शन करा दे महाराज जी के। कोरोना काल चल रहा था तो कोई लॉकडाउन थे,
तो कई जगहों पर ऐसा होता था, जब हम शुद्धि को निकलते पूरे शहर में हम घूमते थे, हमें कहीं कोई डर नहीं रहा, आचार्य जी का आशीर्वाद रहा, और कुछ एक प्रश्न रहा, कुछ योगासन प्राणायाम रहे, कुछ भक्तामर के मंत्रों का चमत्कार रहा, कुछ रेकी की अपने कुछ एनर्जी का सपोर्ट रहा, कि कहीं कोई डर नहीं रहा। तो कहीं किसी जगह से निकलते थे तो कुछ लोग ऐसा रोकते थे कि महाराज जी रुको जरा एक मिनट, मैं दादी अम्मा को लेकर के मैं आता हूँ मंदिर, तो दादी अम्मा जा नहीं पा रही, हम मंदिर तो जाने नहीं देते, पर अगर घर बैठे आप आ गए हैं तो फिर हमको दर्शन करने का मुझे मौका मिल जाए। तो स्पेसिफिकेशन क्या मतलब इसका, एक थोक भाव में निपटा देना, जो जो पाप हुई हो सारे पाप मेरे मिथ्या हो, एक ऐसा होता है पाप का नाम लिया जा रहा है। मैं हमेशा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कह दूँ यहाँ बैठे सारे सारे लोगों को आशीर्वाद, एक थोक भाव में बात हो गई, आपको अच्छा लगेगा लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं नाम ले ले के आशीर्वाद दूँ मैं कि अमुक के घर में अमुक समस्या थी, अमुक तकलीफ थी, फिर भी वो यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बात है। तो अब जब किसी का नाम लेकर के, आज चार लोगों का जन्मदिन है, आज चार लोगों का जन्मदिन है, और वो चार के चार लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और आपने काम किया कि उन सबको आपने एक मैसेज कर दिया, आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सबको बधाइयाँ शुभकामनाएं। ये तो ही एक बात, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन क्या इतना फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फर्क पड़ेगा तब जब आप ऐसा लिखेंगे, अमुक का नाम लिख लिखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर या पर्सनल मैसेज में कि आज आपका जन्म, उसका नाम लिख करके कि आज अमुक का जन्मदिन है और उसको जन्मदिन की बधाइयाँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं, तो उसको बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो यहाँ पर ऐसे जिंदगी जीने का ये तरीका होता है क्या, कि हम एक बात और होती है, जब हम किसी से बात करते हैं ना तो क्या बोलते हैं उसको, आई कांटेक्ट, कैसा होता है, जब आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि तरंगे आंखें बहुत बड़ा रोल लाइफ में प्ले करती हैं। गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के जो गुरु थे गोविंद सिंह दसवें गुरु, उनके जीवन की कहानी, उनके दो बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उन फतेह सिंह जोरावर सिंह को मुगल बादशाह ने, औरंगजेब था उसने क्या किया, जो भी उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब था तो उसने पकड़ लिया, दो प्यारे बच्चे थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे, 20 साल के भी नहीं हो पाए थे, 15 16 17 साल की उम्र हो सकता, शायद 10 11 साल की भी उनकी उम्र रही है, उन्हें पकड़ लिया, उन्हें मजबूर किया, उन्हें भयंकर डांटा, भयंकर मारा, भूखा रखा, प्यासा रखा, बड़े जुल्म, बड़े अत्याचार उस मुस्लिम सम्राट ने उन दोनों बच्चों के ऊपर किए कि तुम धर्म परिवर्तन कर दो, तुम धर्म को छोड़ दो। उन्हें कहा संभव नहीं है, हमारी पीढ़ियों ने कुर्बानी दे दी इस धर्म की रक्षा के लिए, इस धर्म संस्कृति को बचाने के लिए, जिंदा बनाए रखने के लिए पूरा जीवन स्वाहा कर दिया, नौछावर कर दिया, और उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे। हमने बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिन जीवन मूल्यों की स्थापना करी थी, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम भले बच्चे हैं, भले छोटे हैं, लेकिन आप यू मत समझो कि हम बच्चे हैं, हमारे मन के अंदर वही जज्बा है, हमारे मन के अंदर वही फीलिंग्स है, वही भावनाएं हैं, जो भावनाएं हमारे दादाजी और हमारे पिता के अंदर है। तो हम नहीं धर्म परिवर्तन करेंगे। तो वो जो मुगल बादशाह था उसने बड़ा जब अब उसने अंतिम हथियार उसने डाला, उसने कहा कि तो मार डालेंगे, बल मार डालो, हम नहीं डरते मौत से। तो एक इंसान ऐसा होता है कि जब वो दुनियादारी से उससे प्रेम होता, जब लड़के लड़की होते हैं, जब वो आप एक दूसरे को चाहते हैं, तो फिर वो हिंदी फिल्मों की स्टोरी कि फिर वो कोई गुंडा आता है, वो कहता है छोड़ दे उसको, भूल जाओ उसको, नहीं भूल सकता, फिर वो उसको भयंकर मारता है, और वो हंटर उसे मारता है, और उसे तलवार लेके आ जाता है, और बंदूक कनपटी पर रख देता, और बोलता नहीं नहीं छोड़ूंगा, नहीं भूलूंगा मैं उसको। फिर अंत में क्या होता है, वो क्योंकि हिंदी फिल्म में तो ऐसे होता है, हीरो कितना ही सूखड़ा हुए, कितना ही पतला हुए, और 100 गुंडों को मार डालता है, और 100 गुंडों को वो हरा देता है। तो जैसे वही मतलब सेम सीन यहाँ पर पैदा होता, छोटे बच्चे से बट खूंखार ऐसे खतरनाक हजार और सैनिक मुगल बादशाह औरंगजेब के, और उसने कह दिया कि नहीं हमने ये धर्म परिवर्तन करेंगे, जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। देखो आंखें क्या खेल खेलती है, आंखें क्या चीज होती है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, आंखों से कैसे हम जिंदगी के जो ऐसा मुकाम जो नजर नहीं आ रहा है उसको भी हम
फतेह कर लेते हैं, उसको भी हम फतेह सिंह जोरावर सिंह दो प्यार से बच्चे गुरु गोविंद सिंह के, और उनके जीवन का बड़ी बड़ी दिल को छू लेने वाली कहानी कि वो सम्राट कहता दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। अब व्यवस्थाएं पहले से थी, तैयारियां पहले से थी, ऐसे बड़े पत्थर लाए गए और सीमेंट रेत ईंट, उस जमाने में जो भी सीमेंट, उस जमाने में जो भी कुछ एडहेसिव होता होगा, जो कुछ केमिकल होता होगा सीमेंट को जोड़ने के लिए, चूने से दीवारें बना करते, तो चूना जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ ले आया लाया गया और मिस्त्री खड़े हो गए और बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवाने के लिए चुनवा दिया जा रहा था। और जब बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जा रहा था तो जब छोटे छोटे भाई की हाइट कम थी, बड़े भाई की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो छोटे भाई की जैसे यहाँ तक ईंटें आई, जैसे बड़े बड़े पत्थर थे, पत्थर जब यहाँ तक उसके चुनवा दिए गए तो बड़े भाई की आंख में आंसू आ गए। तो छोटा चिल्लाता, ये पागल काया रे, क्या तू क्यों रो रहा है, क्यों तो आंख से आंसू निकल रहे हैं, क्या तू भूल गया है, क्या तू माँ के दूध की नाक कटाएगा, हमारे बुजुर्गों ने दादा ने, पर दादा ने जो जान दी इस धर्म की रक्षा के लिए, क्या तू पीछे हटेगा, मुझे धिक्कार है तुझे, दुख है मुझे तुझे देख करके, तू डर रहा मौत से। तो बड़ा भाई बोलता है, अरे पगला मैं डर नहीं रहा हूं, मैं मुझे दुख हो रहा है कि मेरे से पहले तू शहीद हो जाएगा, ये धरती के लिए धर्म के लिए पहले कुर्बानी तेरी होगी, मैं चाहता था पहले मैं मरूं, मैं बड़ा हूं ना, मैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं पहले अपने आप को फना करूं, अपने आप को निछावर करूं, लेकिन सौभाग्य मुझे नहीं मिल पा रहा है, किस्मत मेरी। और जैसे वो ईंट यहां तक आती है, क्या मतलब क्या होता, एकदम से पूरी दीवार गिर जाती है, लोग जिकार लगाने लग जाते हैं, हिंदू धर्म की जय और सनातन धर्म की जय, जो हजारों लोग जो वहां पर होते हैं, जो सीन को देखने वाले होते हैं, वो इतने नपुंसक इतने काया आगे बढ़ करके उन बच्चों को बचा नहीं पाते हैं वो। तो वो यही बालिता में ऐसा हुआ था, यही अपने इसी कोटा की बात है, यहाँ बालिता एरिया में छोटा सा मंदिर है आदिनाथ भगवान का, वहां पर भी ऐसे हुआ था, और चार बार ऐसा हुआ, जो दुकानदार था पड़ोस में दुकान है जहाँ से कपड़े धोते हैं, कपड़े सुखाते हैं, नहा करके लोग मंदिर में अभिषेक करने आते हैं, तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही सीन हुआ था। दुकानदार ने कहा कि दीवार बना दी जाए, तो उसको बोला जो मिस्त्री जो मजदूर होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, कारीगर, क्या उसका नाम होता, क्या बोलते हैं उसको, राज, राज बोलते, राज दीवार बनाने वाला राज मिस्त्री, तो हाँ वो राज बोलते हैं उसको, एक शब्द होता, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है उसके लिए शब्द होता पर्टिकुलर। तो जो वो जो कारीगर था उसने दीवार बनाई, दीवार गिर पूरी दीवार गिर गई, जैसे आखिरी जितनी दीवार जितनी ऊंचाई पर जाए पूरी दीवार एकदम से गिर गई, फिर दोबारा दीवार बनाई, दोबारा दीवार गिर गई, फिर तीसरी बार भी दीवार गिर गई, तो उसको डर लगा उसको मिस्त्री को, बोले मैं सफेद बाल लोग हैं मेरे, कितने बरसों से मैं कारीगरी कर रहा हूँ, मैं मिस्त्री वाला मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज तक कभी, सच्ची घटना है, कभी नहीं ऐसा हुआ। तो जो फौजी जो दीवार बना रहा था, तो जो उसका मालिक था वो फौजी है, वो रिटायर्ड फौजी है वो, तो कोई अजैन है कोई, तो उसको कहा मिस्त्री ने कि तुम जाओ, और मुझे कुछ चक्कर लग रहा, बोले कुछ मुझे कुछ चक्कर मुझे कुछ लग रहा है। तो बोली ये जगह कौन सी है, बोली जैन मंदिर बिल्कुल एक ही दीवार से लगा हुआ है, एक दुकान जैनों की है, वहाँ जैनों के भगवान बैठे हैं। बोले नहीं है, कुछ चक्कर लग रहा है, जाओ बोले माफ़ी मांग करके आओ। तो वो जैन जाता है और वो उसने मुझे बताया जब मैं बालिता में प्रवास में था, नरील उसने जैसे ही मंदिर में घुसा, वो छोटी सी मूर्ति क्षेत्रपाल जी की, बहुत छोटी सी मूर्ति है, आज भी है उसी मंदिर के अंदर, वो तो जैन है, तो उनको तो कहाँ महावीर स्वामी और कहाँ शांतिनाथ प्रभु और कहाँ सुपाष्णा स्वामी, पहले उस मूर्ति को वो बोलता है कि मुझे क्षमा करो माफ़ करो, तो ये जिन्हें उसको समझाया कि नहीं भाई जो आगे जो भगवान बैठे हैं वो तो इनसे लाख गुना बड़े हैं, बहुत ऊँचे हैं, तो आदिनाथ प्रभु बैठे हैं इधर, सुपाष्णनाथ प्रभु बैठे हैं इधर, महावीर स्वामी बैठे हैं इधर, छोटे से पाष्णनाथ भगवान बैठे हैं, तो बोले वहाँ जाओ उनसे माफ़ी मांगो। तो आदिनाथ भगवान के चरणों में जाता है, फिर उनसे माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है कि भगवान मुझे माफ़ करो। फिर वो उसको कारीगर बोलता है तो अपशकुन हो गया, हम कल काम शुरू करेंगे। रात भर में सद्बुद्धि उसको आती है, उस फौजी को, उस दुकानदार को सद्बुद्धि आती है, बोलता है कि मन में विचार पैदा होता, सुबह कारीगर से बोलता है, बोले कि वो क्या है कि
यहाँ लोग नहाते हैं अभिषेक करने वाले, तो वो अगर दीवार बना देंगे तो उनके आने जाने का रास्ता रुक जाएगा, तो कैसे वो आ पाएंगे जा पाएंगे। तो ये काम कर, पहले उन अभिषेक करने वालों के चढ़ने उतरने की सीढ़ी बना दें। तो उसने खिसल पट्टी बना दी, कार्यकर ने खिसल पट्टी बना दी, वो रास्ता छोड़ दिया और बच्चे रिश्ते में उसने दीवार बनाई और दीवार पूरी बन गई, एक भी दीवार की नहीं गिर पाई। तो आज भी ऐसे अतिशय चमत्कार होते हैं। तो फतेह सिंह जोरावर सिंह, दिल्ली की घटना, दीवार में जिंदा चन्माया, दीवार पूरी बनी, पूरी दीवार अचानक से गिर गई। दूसरी बार फिर दीवार बने, फिर दीवार अचानक से गिर गई। तीसरी बार फिर दीवार बनाई, फिर दीवार अचानक से गिर गई। सम्राट के तो क्या बोलते, होश उड़ गए, हाथों के तोते उड़ गए, कहावत इस तरह की। तो उसने देखा क्या चक्कर है, क्या बात है। सैनिक किसी बुजुर्ग ने समझाया, वो दादी ऊपर बैठी हुई है, इन बच्चों की दादी ऊपर महल बैठी, वो एक टक लगातार देख रही है, उसकी आंखों से आंसू की धारा निकल रही है कि मेरे पोतों को दीवार में चन्मा, बेकसूरों को दीवार में चन्माया जा रहा है, और उसकी आंख से आंख मिलती थी, पूरी दीवार गिर जाती है। तो सम्राट ने आदेश दिया, पकड़ो दादी को, हटाओ वहां से। तो किसी सैनिक ने, वो होता ना पहले ऐसे बूम ब्रेंग, तो बूम ब्रेंग एक स्पेशल खंजर होती थी, स्पेशल तलवारें होती थी, उसने यूं फेंक करके मारी, उसका सिर कट के नीचे गिर गया, और फिर दीवार बनना शुरू, दीवार बनना, वो बच्चों का बलिदान हो गया। तो इतना क्या कहना, वो आंखों से तरंगे निकलती थी, आंखों से रोशनी निकलती थी। तो जब दादी की आंखों से रोशनी निकलती थी, पूरी दीवार गिर जाती थी। दादी की आंख, वो इतिहास की घटना है, मैं कोई मन की बात नहीं कर रहा हूँ, इतिहास में आप गूगल करके आप देख लेना कि जब दादी की आंखों के तरंगे निकलती थी तो दीवार गिर जाती थी, और जब मनराजों की आंखों के तरंग से तरंगे निकलती है तो भक्तों के दुखों के दीवार, कर्मों की दीवार निस्नावत होती, गिर जाया करती है।